सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के फेसलिफ्ट वेरिएंट के बारे में। जी हां, टाटा की जो भाई पंच है, ब्रांड ने रिसेंटली गाड़ी में कुछ नए चेंजेस वगैरह किए, गाड़ी में सनरूफ वगैरह प्रोवाइड करा दिए। लेकिन अब जो है भाई, टाटा की जो पंच है ना, इसमें आपको और भी ज्यादा चेंजेस मिलने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं टाटा पंच CNG मॉडल के बारे में, जो कि काफी अच्छी सेल फिगर लाता है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी का जो इंजन है वो आपको कैसा मिलेगा। तो टाटा की पंच में आपको मिल जाएगा 1199 सीसी का इंजन, जो कि आपको 5 स्पीड गियर के साथ मिलने वाला है। और ये गाड़ी आपको पावर फिगर काफी बेहतरीन दे देगी। ये गाड़ी आपको पेट्रोल में देगी 87 HP का पावर और CNG में आपको देगी 73 HP का पावर। और ये गाड़ी आपको 115 Nm का टॉर्क देगी पेट्रोल में, और ये गाड़ी आपको 103 Nm का टॉर्क देगी CNG में। जी हाँ, माइलेज जो है भाई वो भी आपको अलग अलग मिल जाएगा पेट्रोल और CNG पे। जैसे कि भाई CNG पे ये आपको देगी 26 का माइलेज और पेट्रोल पे आपको देगी 20 का माइलेज। ये सारे स्पेक्स कंपनी क्लेम करती है, बाकी स्पेक्स आपको भाई मैंने बता दिए। स्पीड आपको 150 के आसपास तक का मिल जाएगी। अब बात करते हैं गाड़ी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो भाई इसका जो लुक है ना वो काफी ठीक है आज के हिसाब से भी, लेकिन भाई समय के हिसाब से ब्रांड अपडेट तो करता रहता है। तो इसमें आपको बिल्कुल ही नया मिल जाएगा फेस। जी हाँ, इसका भाई जो लाइटिंग का सेटअप है वो आपको DRL मिलेगा, लेकिन भाई जो DRL है वो आपको अब और भी ज़्यादा लंबा मिलेगा। भाई गाड़ी के जो हेडलैम्प वगैरह हैं वो आपको LED के साथ मिल जाएंगे प्रोजेक्टर के, जो कि आपको नाइट में काफ़ी अच्छी थ्रो वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। और जो टाटा की पंच है ये आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी। भाई गाड़ी में कुछ फंकी कलर्स और कुछ मैट कलर भी आने वाले हैं। इसकी भाई जो ग्रिल वगैरह है वहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा, और इसका भाई जो नीचे का गार्ड है रेडिएटर का, भाई वहाँ पर भी आपको बिल्कुल ही नई शेप की ग्रिल वगैरह देखने को मिल जाएगी। गाड़ी का जो अलॉय व्हील है उसका जो डिज़ाइन है ब्रांड वो चेंज कर देगा, लेकिन जो गाड़ी के अलॉय का साइज है, जो टायर का साइज है, उसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। टायर आपको 185/70/15 का ही मिलने वाला है, जो कि भाई आपको ये ट्यूबलेस टायर के साथ मिलेगी। बाकी स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज का मिलेगा। और इस गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम, ABS, EVD के साथ ये गाड़ी मिल जाएगी। फ्यूल टैंक आपको 37 लीटर का मिलेगा। गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा, जो कि आपको एप्पल CarPlay और आपको एंड्रॉयड प्ले के साथ मिलेगा। और इसकी भाई जो इंटीरियर वगैरह है, जो गाड़ी का सीट वगैरह है, वो आपको डुअल टोन में मिल जाएगा, जैसा कि ब्रांड ने टाटा की नेक्सॉन में दे रखा है। और भाई इसमें आपको ORBM वगैरह देखने को मिल जाएगी, जिस पे कि आपको इंटीग्रेटेड DRL मिलेगा। भाई जो गाड़ी का CNG टैंक है वो आपको दो ही मिलने वाला है, और इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी, पुश स्टार्ट और ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाएगा। इसकी भाई जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और इसमें भाई और भी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि भाई गाड़ी का टेल, इसका जो भाई टेल है वो भी आपको बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा। पीछे आपको मिल जाएगा पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, साथ ही भाई ब्रांड इस गाड़ी में आपको देगा 360 डिग्री कैमरा, जो कि आजकल तो बहुत ज़्यादा चलन में है। और भाई जो टाटा की पंच है CNG में, ये गाड़ी आपको अभी मिल जाती है 7,09,900 रुपये की, आपको ये गाड़ी एक्स शोरूम मिल जाती है। तो भाई इसका जो फेसलिफ्ट वेरिएंट आएगा वो मान के चलो 30,000 से 40,000 रुपये महंगा रहेगा। गाड़ी के भाई जो टेस्टिंग वगैरह है वो चल रही है। पंच में भाई आपको EV का भी फीचर मिलने वाला है, तो आप लोग चाहो तो वेट कर सकते हो। टाटा की पंच में 2 अपडेट आने वाले हैं, एक आएगा फेसलिफ्ट और एक आएगा टाटा नेक्सॉन के साथ ही टाटा पंच भी आने वाली है EV में। और ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है 2023 के एंड में, और भाई जो EV है वो लॉन्च होगी 2024 के शुरुआत में। तो भाई आप लोग चाहो तो वेट कर सकते हो, और जो वीडियो है लाइक कर दो, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।